Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today you will study carboxylic acid. Okay, so let's start carboxylic acid. Okay, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों होता क्या है, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है, आइए एग्जांपल की सहायता से इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो होता है दो ग्रुप आपको दिखाई पड़ता है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें दो ग्रुप आपको दिखाई पड़ता है। एक जो होता है सी डबल बॉन्ड को, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और दूसरा जो ग्रुप होता है OH, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो कार्बोक्सिल से कार्बोनिल ग्रुप से कार्बो और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल ले लिया गया है और यहां से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह से होता है, दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होता है एरोमैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों इसमें क्या होगा, ये कोई अल्काइल ग्रुप होगा और अल्काइल ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप बुला जाता है। ओके, ये अल्काइल है, क्या है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। एरोमैटिक में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, यह एरोमैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो अब बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिटा रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि क्लास 11th में आप लोगों को इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती है ऑलरेडी। ओके, आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो सबसे पहला मेथड आप लोगों को बच्चों पढ़ना होगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, अल्कोहल्स। ओके, 1 डिग्री का अल्कोहल लिया जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, यह 1 डिग्री का जो है अल्कोहल हो गया और इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हो सकता है बच्चों
एसिडिक KMnO4 हो, ठीक है, या एसिडिक पोटेशियम नाइक्रोमेट हो, K2Cr2O7 हो, या क्रोमियम ऑक्साइड हो, Cr3+H2SO4, ठीक है, ये सब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कोई भी, या तो इसको ले लो, या तो इसको ले लो, या तो इसको, तीनों को लोगे, तीनों में से किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लोगे तो क्या होगा, ये जो 1 डिग्री का अल्कोहल होता है सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। वास्तव में ये रिएक्शन दो स्टेज में होता है, कैसे होगा, RCH2OH इसके ऊपर, ठीक है, जब मैंने फोर दे देंगे एसिडिक, क्या होगा, साथ ही साथ जो बच्चों हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, ठीक है, सब हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, क्या होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा और आगे जाकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि जो है एल्डिहाइड पर ये रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, ठीक, बना सकते हो आप लोग इसको, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, ठीक है। एल्डिहाइड से हम अब सीखेंगे एल्डिहाइड से क्या करना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज होता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SDKMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमियम ऑक्साइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा मेथड आप लोगों को, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, हाँ बच्चों, 2 डिग्री का यदि आप लोगे अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा, पहले स्टेज में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और कीटोन का जो ऑक्सीडेशन जो होता है आसानी से नहीं होता, ठीक है, तो उसमें उसके द्वारा हम नहीं बनाते कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, डन है, ओके। अब दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड्स, 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 ओके, यहां पर बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, क्या यूज करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो देखो जैसे मान लो कि आपके पास जो है ये एल्डिहाइड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप दे सकते हो, टॉलरेंस एजेंट दे सकते हो, आपको पता ही होगा अभी एल्डिहाइड, ठीक है ना, कीटोन में आपने देखा था, या तो आप दे सकते हो फ्रेहलिंग सोल्यूशन, फ्रेहलिंग सोल्यूशन दे सकते हो, क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। ये टॉलरेंस एजेंट क्या होता है, एग्जाम टॉलरेंस इंपॉर्टेंट होता है, टॉलरेंस एजेंट क्या होता है, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज
कैलेंस रिएजेंट। ओके, जैसे हम मान लीजिए हम ले लेते एल्डिहाइड और उसका रिएक्शन कराते हैं, हम उनके से जो रिएक्ट कैसे होता है, ये जी एन एच थ्री होल ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका रिएक्शन वही करा देंगे, ये जी एन एच थ्री ट्वाइस प्लस, ठीक है, क्या होगा, ये सिल्वर मिरर बन जाता है, क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर आर सी ओ एच, यह नहीं बल्कि यहां पर आयन बना देंगे, ठीक है, प्लस ए जी प्राप्त होता है, मेटेरिक ए जी प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर यह है, सिल्वर मिरर, ठीक है। ऐसे ही फेयरिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसको देख लो, फेयरिंग सॉल्यूशन, वास्तव में फेयरिंग सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, एक होता है फेयरिंग ए और दूसरा होता है फेयरिंग बी। ओके, फेयरिंग ए जो होता है कॉपर सल्फेट जो होता है, फेयरिंग ए, फेयरिंग ए इक्वल्स कॉपर सल्फेट, ठीक है, फेयरिंग बी होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ऐसे इसको बना जा सकता है, आपने देखा होगा आइसोमेरिज्म, आपका आइसोमेरिज्म बताया जा रहा था तो वहां पर पढ़ाया गया था, ठीक है, ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, ठीक है, इन दोनों का एक ही मोलर ले लेते हैं और उसका जब रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड से, ठीक है, तो हमको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, रिएक्शन ऐसे हो सकता है बच्चों, आर सी एच ओ प्लस सी यू डबल पॉजिटिव, क्या होगा, सी यू टू ओ बन जाता है प्लस आर सी डबल ओ माइनस, ठीक है, ये हमको प्राप्त, ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन पीपीटी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अभी आपको दो मेथड मैंने बतलाया, एक प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना और दूसरा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, तो कठिन नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है, आप कोशिश करोगे तो आराम से बन जाएगा, मिटा जाए। चलिए तीसरा मेथड बच्चों आपको बताऊंगा, थर्ड मेथड जो कि होगा अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन ये होता है बच्चों, यहां पर हमने लगा दिया सी एस ए, क्या क्या मिथाइल बेंजीन हो गया है, इसको टॉलुइन कहते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, रिएजेंट विशेष रूप से ध्यान देना, KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, और फिर हीट भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहां पर पोटेशियम साल्ट आपका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, पोटेशियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड COO माइनस K प्लस पोटेशियम बेंजोएट पर, ठीक है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दोगे बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दोगे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बन जाता है,
ओके। यदि बच्चों यहां पर हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं अल्काइल बेंजीन, थोड़ा सा इस तरह से बना दें CH2CH3 लंबा चेंज कर दें, इसका फिर ट्रीटमेंट हो जाएगी NaNO4 KOH हीट किया जाए तो क्या होगा, फिर वही बन जाएगा आपका पोटेशियम सांद्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका जो है हाइड्रोलिसिस करवा लोगे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, यदि बच्चों ये यहां पर आइसोप्रोपाइल जो है हम बेंजीन ले लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KOH हीट कर दिया जाए तो फिर यहां पर क्या होता है पोटेशियम सांद्रा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ओके, लेकिन यदि मान लीजिए कि यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का रिएक्शन करवा दिया जाए, मतलब क्या ये कभी हाइड्रोजन ना हो, रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे एक भी डायरेक्टली जो है कार्बन एटम ना जुड़ा हो, तो इसका यदि रिएक्शन आपके NaNO4 से करवाना चाहोगे इन प्रदेश आपके ओयर करोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं प्राप्त होगा। के बच्चों इसको नोट करो, बहुत ही अच्छा मेथड होता है अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल बेंजीन, ओके अल्काइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट अलोंग विद बेस अल्कली एंड फॉलोड बाय हीटिंग, वी ऑब्टेन व्हाट, वी ऑब्टेन पोटेशियम सांद्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड वी ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड। ओके, मींस एरोमेटिक बेंजीन इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अल्काइल बेंजीन, नोट करिए मिटा दिए जाए। ओके, जाता हूं, चलो तो फोर्थ मेथड अब है बच्चों फोर्थ मेथड आपका है फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का मतलब होता है साइनाइड। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों कि जैसे R है C ट्रिपल बॉन्ड एंड इसका क्या करना है हाइड्रोलिसिस कर देना है। ठीक है, क्या करना है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो यहां पर दो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और दो हाइड्रोजन जो होंगे। ठीक है, एमाइड बन जाता है, इसको क्या कहते हैं RCONH2, इसको एमाइड बोलते हैं। इसका फर्दर यदि हाइड्रोलिसिस किया जाए, ठीक है फर्दर हाइड्रोलिसिस करो हीट कर दो तो क्या होगा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए CH3C3N इसका ट्रीटमेंट हमने करवाया HOH। ठीक है, दो पाई बांध जोड़ दोगे क्या बन जाएगा CH3C(O)NH2 एसिटेमाइड बन गया। ठीक है, इसकी फिर जो है हाइड्रोलिसिस करोगे
हाइड्रोलाइट हीट है तो बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस NH3। ओके ऐसे ही यदि मान लीजिए कि आपने ले रखा है बेंजाइन बेंजीन साइनाइड ठीक है इसका हाइड्रोजन करवा दो। ओके जब हाइड्रोलिसिस कराओगे हीट भी कर दो क्या होगा दो बांध टूट जाएगा दो दो पाई बांध्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगे एमाइल बन जाएगा इसकी तरह फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दोगे बेंजोइक एसिड बन जाता है। ओके तो कठिन तो है नहीं बहुत ही आसान रिएक्शन है और यदि चाहो तो मैकेनिज्म भी आपको समझाया जा सकता पर छोड़ जाए मैकेनिज्म मैं नहीं उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा आसान है इसको गुण करो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पास करके नोट कर लीजिए। ओके अब फिफ्थ मैटर है बच्चों प्राम एमाइल्स एमाइल्स कोई जगह एमाइल्स को क्या करना है चलो राम एमाइल्स क्या करना है एमाइल का कुछ नहीं करना आर सी और पांच को एन एफ तो इसकी सिंपल ही हाइड्रोलिसिस करना है हीट कर देना है ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा प्लस NH3 एग्जाम्पल देखो सी एच थ्री सी डबल ओ एन एच टू एच ओ एच ठीक है इसके पास लोन पेयर है लोन पेयर इसको अटैक करेगा माइनस थ्री बन जाएगा प्लस माइनस ओ एच जो है इसका अपन से जुड़ जाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ ओ एच कार्बोक्सिलेशन ऐसे ही बेंजामाइड है इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो फॉलो बाय हीटिंग बेंजोइक एसिड बन जाता है क्या बन जाता है बेंजोइक एसिड प्लस NH3 वेरी सिंपल। ओके नोट कर लें विचार करें ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्राम ग्रिगनास रिएजेंट ग्रिगनास रिएजेंट। ओके ग्रिगनास रिएजेंट क्या होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसको क्या करोगे सिंपली ट्रीट कर दो सी ओ टू से इसे ट्रीट करोगे सी ओ टू कार्बन डाई ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ठीक है तो क्या बनेगा आर सी डबल ओ ओ माइनस एम जी एक्स ठीक है उसके बाद फिर इसको जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देना है सिंपली बन जाएगा आर सी डबल ओ ओ एच प्लस हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड ठीक है इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन किया जाता है। मान लो मिथाइल है मैग्नीशियम ब्रोमाइड ठीक है इसका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड देखो बच्चों इस तरह से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा इसका डेल पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है ये डेल नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा जैसे अटैक करेगा सी एस थ्री सी ठीक है इससे जुड़ा हुआ आपको ओ पर माइनस चार्ज आ जाएगा ये थ्रू जो है यहाँ पर सिस्टम जाएगा निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज
जो होगा ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जुड़ जाएगा एम जी बी आई पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। फिर इसकी हाइड्रोजन बात हो गई ठीक है एच जो होगा ओ एस जो है एम जी बी आई साथ चला जाएगा हाइड्रोक्सिन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा प्लस एसिटिक एसिड बन जाएगा आपका ठीक है एसिटिक एसिड। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने रिनल एजेंट लिया C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ठीक है इसको कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई का यहां लिखना पड़ेगा ड्राई ठीक है यहां सी डबल ओ ओ इस पर निगेटिव चार्ज होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ये निगेटिव चार्ज होगा इसका रंग प्रोटेक्ट करेगा क्या बनेगा C6H5 सी डबल ओ ओ माइनस यहां पर तुरंत आ जाएगा माइनस इसे एम जी जुड़ जाएगा बी आर फिर इसी हाइड्रोजन का बात हो गई क्या बन जाएगा C6H5 COOH प्लस हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बेंजोइक एसिड बना। तो इस तरह से जो होता है ग्रिगनार रिएजेंट से हम ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। नोट कर लीजिए बहुत ही इजी मेथड होता है ग्रिगनार रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत ही आसान है। तो एलिफैटिक बना सकते हो एरोमैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो ओके ओके यार बिता दूं चल बिता दूं ठीक सेवन मैं था बच्चों फ्रॉम एसिड फैलाए सेवन आसान है बहुत ही आसान है सर फ्रॉम एसिड हैलाइड हो या एनहाइड्राइड हो या स्टर हो ठीक है किसी से भी हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे ठीक है लीजिए दिखलाते हैं ये कह रहा है होता है कि आप विद्यमान हो इथेनोइल क्लोराइड है इसका ट्रीटमेंट करा दोगे एच ओ एच सिंपल ही वाटर के साथ ठीक है होगा क्या ये कुछ जो इस कार्बन के साथ हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनकर तैयार प्लस एच सी ठीक है ऐसे ही एन हाइड्राइड मान लो ले रहे हो सी एच थ्री सी डबल ओ ओ सी डबल ओ सी एच थ्री इसका ट्रीटमेंट वाटर से फिर करा दो क्या होगा उनको पर निगेटिव चार्ज होगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव कार्बन का समझे ना तो इस नेगेटिव वाले सी एच जुड़ जाएगा क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ ओ एच इधर इस सी से क्या जुड़ेगा ओ एच जुड़ जाएगा क्या बना सी एच थ्री सी डबल ओ एच इथेनोइक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल्स बन गए ठीक है। अब एस्टर मान लीजिए बच्चों सी एस थ्री सी डबल ओ ओ सी एस थ्री ठीक है इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे क्या करा दोगे हाइड्रोलिसिस होगा क्या यहां पर ऑक्सीजन पर निगेटिव होगा इस कारण पॉजिटिव होगा निगेटिव वाले पर पॉजिटिव चला जाएगा ठीक है और ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव चला जाएगा बनेगा क्या सी एस थ्री सी डबल ओ एच और क्या बनेगा सी एस थ्री ओ एच बन जाएगा
मिथेनॉल बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये हो कंपाउंड C2H5C2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या बनेगा C2H5COOH + C2H5OH, ठीक है। तो यही कुछ मेथड है बच्चों जिसमें कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ओके, थैंक यू।